बहुत ही अच्छा खबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अफसरों को भेजा पत्र। इसमें टीचर भर्ती अभी चल रही है बिहार में। लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लाभ मिलेगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लाभ जो है लोहार जाति को मिलेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, शिक्षक बहाली में लोहार जाति अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति नहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का लाभ मिलेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का नहीं बल्कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का लाभ मिलेगा। छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक बहाली के लिए लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में रखने के लिए कहा गया है, जबकि अभी सातवां चरण चलने वाला है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने गुरुवार को सभी आरडीडीई, डीडीसी, नगर आयुक्त, डीईओ, डीपीओ सहित सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष व सदस्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2022 को लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। ठीक है, राज्य सरकार ने 8 अगस्त 2016 को लोहार जाति को ST का प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य सुविधाओं दिए जाने का निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने भी 16 अप्रैल को पत्र जारी किया था कि लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सुविधा दिया जाए। तो यानी कि टीचर भर्ती में भी लोहार जाति को अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सुविधा दिया जाएगा, उसके अनुसार से ही कट ऑफ दिया जाएगा उस जाति को। ठीक है, धन्यवाद।